ये कहानी एक 16 साल के लड़के की है, एक ऐसा लड़का जिसकी कहानी हर तीसरे बच्चे से मिलती जुलती है। वो 9 बजे स्कूल जाता, फिर दोपहर में 2 या 3 बजे स्कूल से घर आ जाता। घर आते ही किसी चीज का कोई ठिकाना नहीं, बस ताफे का एड्रेस उतारी या नहीं उतारी, मोबाइल में लग जाना, टिकटॉक पर वीडियोस देखते रहना, पबजी खेलते रहना, 3-3 घंटे 4-4 घंटे कब बीत जाए पता ही नहीं चले। और जैसे ही शाम की 6 या 7 बजे वो दोस्तों के साथ टाइम पास करने निकल जाता और वो रात को 1 बजे या फिर 2-2 बजे घर पर आता था। उसके माता पिता को लग रहा था कि वो पढ़ाई करने जाता है। वो लड़का बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप आकर सो जाया करता था और फिर सुबह 8 बजे उठता था। ये थी उस लड़के की डेली रूटीन। लेकिन एक दिन जब वो दोस्तों के साथ टाइम पास करने के लिए शाम को जा रहा था, तभी उसके मम्मी पापा कुछ बात कर रहे थे, तभी वो चुपके चुपके सुनने लगा। वहीं उसके मम्मी पापा उसके फ्यूचर के बारे में चर्चा कर रहे थे कि देखना हमारा बेटा बड़ा होकर IPS बनेगा, IAS बनेगा। वहीं पापा कह रहे कि नहीं हमारा बेटा जज बनेगा, मम्मी कह रही डॉक्टर बनेगा, फिर कह रहे कि नहीं उसकी जो मर्जी होगी वो हम उसे बना देंगे, लेकिन हमारा बेटा जिंदगी में कुछ न कुछ तो बड़ा करेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। और वो लड़का उसके मम्मी पापा की बातों को सुनकर खून के आंसू रोने लगा। वो अंदर ही अंदर सोच रहा, यार मेरी 12th पास करने की औकात नहीं है और मेरे मम्मी पापा मेरे लिए इतने बड़े बड़े सपने संजोए रखे हैं। उस रात उसे नींद नहीं आई, वो पूरी रात रोता रहा। सुबह हो गई, वो छत पर चला गया और जिंदगी में पहली बार उसने उगते सूरज को देखा। उसे उगते सूरज को देखकर ऐसा लग रहा था कि यार ये दिन मेरी जिंदगी का पहला दिन है। अब तक 16 साल बीत गए, मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन कोई बात नहीं, अब तक जिंदगी काटी मैंने बड़े आराम से, पर अब मुझे जीना है कुछ अलग अंदाज से। उसी वक्त उसने ठान लिया कि फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा और जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। एग्जाम के 3 महीने बचे थे, तभी उसके अंदर से एक आवाज आ रही थी कि यार मुझे पढ़ना है, मुझे अपने माँ बाप के लिए पढ़ना है, अपने भविष्य के लिए पढ़ना है, जिंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है, ऐसे ही काम नहीं चल सकता यार, कब तक माँ बाप के दीवे टुकड़ों पर पलूंगा। उस दिन से वो दिन के 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ने लगा। अपने अंदर से एक आवाज आ रही थी उसके, मुझे पढ़ना है यार, मुझे पढ़ना है। दिमाग में सिर्फ एक ही गोल कि यार मुझे पढ़ना है, रिजल्ट क्या आएगा उसकी कोई टेंशन नहीं, मुझे पढ़ना है। और जब रिजल्ट आया तो सब शॉक हो गए। एक ऐसा लड़का जिसकी पास होने की तक हैसियत नहीं है, उसने 90 क्रॉस कर दिए और आगे चलकर उसने एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले लिया और फिर कुछ ही साल बाद उसकी एक अच्छी सी नौकरी लग गई और वो खुशी खुशी रहने लगा। ये थी उस लड़के की कहानी। उस लड़के की तो अंदर से आवाज आ गई, लेकिन क्या आपके अंदर से आवाज आई? अब बात आती है आपकी, जिन्होंने मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है और मेरा वीडियो अभी तक देख रहे हैं। क्या आपके अंदर से कभी ऐसी आवाज आई है कि यार मुझे पढ़ना है, यार बहुत टाइम पास हो गया, बहुत पबजी खेल लिया, बहुत टिकटॉक पर वीडियोस देख लिए, यार अब मुझे पढ़ना है, यार जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करना होगा। क्या ऐसी आवाज आपके अंदर से आई है? नहीं आई है तो इंतजार मत करो, आज ही अपने आप से कमिटमेंट कर दो। क्या होगा पता नहीं, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मुझे आज की डेट में मुझे पढ़ना है। और मेरे कमेंट सेक्शन में लिख कर जाना #मुझे पढ़ना है। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।